हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर इन सिविल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं और क्या इनका काम है, कैसे इसको लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसका नेम की बात कर लेते हैं। इसको टेक्निकल नेम तो मेरे को नहीं पता है इसका, तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जर्नली इसको आमतौर पर इसको बूंदा बोलते हैं। अगर मिस्त्री या लेबर से पूछोगे तो वो आपको बूंदा ही बताएंगे, इसको बूंदा बोलते हैं। इसको लगाते क्यों हैं, क्योंकि हमको आपको पता ही होगा हमको प्लस्तर साहुल में और फट्टी में चाहिए होता है, मतलब एकदम स्ट्रेट। आपको बोलूँ तो मान लो फ्लोर के एकदम 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है दोस्तों, ये होता हमारा फट्टी और साहुल में करने के लिए हम इसको लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसको लगाते कैसे है वो अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमको डिसाइड कर लेना है कि हमको कितना एमएम का प्लस करवाना है, 12 एमएम का, 10 एमएम का, 18 एमएम का। ठीक है दोस्तों, तो स्टैंडर्ड हमारा 12 एमएम का रहता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ट्रोवल से मोटार लेना है, ट्रोवल जिसको बोलते हैं, करनी जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमको यहाँ पर लगाना है। तो हमको कितनी ऊपर लगाना है ये देखो, अभी ये बीम है हमारा, बीम से हमको 500 मीटर के नीचे होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको मोटार लगाना है, तो उसको फिर कट कर लेना है स्क्वायर पीस में या सर्कल पीस में। ठीक है दोस्तों, तो हमको मेज़र करना है कितने एमएम का हमारा ये लग चुका है। तो अब अगर हमारा ये मसाला ज़्यादा लग गया है, 12 एमएम से ज़्यादा आ रहा है, तो उसको करनी से इसको पिचका दो, मतलब इसको दबा दो उसको 12 एमएम के थिकनेस के लिए। अगर हमारा कम है तो उस पर और मसाला लगा लो। ठीक है दोस्तों, तो इसकी प्रॉपर फिनिशिंग करके कट करके इसको हमको यहाँ से साहुल गिराना है, प्लम्ब जिसको बोलते हैं टेक्निकली, साहुल यहाँ से गिराना है और इसको नीचे लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ये है क्या, इसके नीचे एग्जैक्ट इसके नीचे है। ठीक है दोस्तों, तो हमको यहाँ पर साहुल जहाँ भी आएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बूंदा हमको फिर लगाना है, करनी से मसाला लगाना है और हमारा यहाँ पर साहुल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। ये हमको ध्यान रखना भाई कितने डिस्टेंस पर रखना हमारा, ये मान लो अब ये है और दूसरा उधर है। ठीक है, और ये उसके नीचे वाला ये रहा और ये इसके ऊपर वाला। ठीक है दोस्तों, तो हमको इन दोनों का डिस्टेंस इतना रखना है कि हमारी फट्टी आ जाए, मिस्त्री की जो फट्टी होता है ना इसके बीच में हमारी फट्टी आ जाए, यहाँ से लेके वहाँ तक इतना हमारा डिस्टेंस रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका ही ऐसे यहाँ से लेके नीचे तक इतना डिस्टेंस रखना है कि हमारी इसमें फट्टी आ जाए। फट्टी क्या, फिर से क्या होगा, मान लो इसमें जब इसके प्लस्तर का मसाला लगाएंगे और इसके बीच में जब वो आएगा ना प्लस्तर ये कम ज़्यादा, तो यहाँ से फट्टी से वहाँ से फट्टी लगा के यहाँ से फट्टी लगा के उसको हम नीचे ऐसे उतार सकते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा या कम ज़्यादा मसाला होगा ना तो उसको हम फिनिशिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमको इतना क्लोज रखना है कि हमारी फट्टी के एंड टू एंड आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये जितना भी एमएम आए हमको इससे मेज़र नहीं करना है, जितने भी आए 10 एमएम हो सकता है हमारी दीवार भी साहुल में ना हो, तो ये कम ज़्यादा भी आ सकता है और एग्जैक्ट भी आ सकता है 12 एमएम। ठीक है दोस्तों, सो हमको क्या करना है, सबसे ऊपर वाला ही 12 एमएम लेना है, नीचे जितना मर्जी आए इस वाले में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।